और अब बारी है जी नैन्सी दीदी की विदाई का। तो नैन्सी दीदी, मम्मी और गतिक पापा सभी लोग जो अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो सारा सामान करके करके ले जाते हैं। क्रियांश देख लिया कि गाड़ी निकला हुआ है, तो सभी लोग जी यहाँ पर बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ से जो है अब सभी को लेकर के चलते हैं स्टेशन, क्योंकि हम जाने वाले हैं अपने एक दोस्त के यहाँ शादी में, तो बारात में निकलनी है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हमारा भांजा है जी यहाँ पर आया हुआ और भांजा जो है मजे में खेल रहा है अपनी मामी के साथ। ये जो लड़का है ना, हाँ, गुंदू हो गया है, समझे? हाँ। इसलिए क्योंकि ये अपने भाई के बोतल में ही दूध पिएगा, अपने बोतल में नहीं पिएगा। वाह बहुत बढ़िया, चलो इसी बहाने दूध तो पी रहा है, वरना बहुत तमाशा होता है इसका पीने में। इसलिए इसके मामा मामी का आदेश है, मामा को बोतल खरीद के दीजिए इसको। अच्छा, फर्स्ट टाइम मिलता है बोतल, लेते आइएगा। चलो अच्छा है, ले लिया जाए, इसको बोतल भी हो जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे घूम के लिए, और ये है हमारी चटाई। चलते तेतला तेतला बोले मामी बोल बे ले ले। अच्छा ठीक है, चलो। चॉकलेट कौन दिया तुमको? बहुत सुंदर लगता है, बेड लगा दिया ना। अच्छा Two hours later. तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 4:30 और अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, और मार्केट चलते हैं और नैन्सी दीदी को जो है वहाँ पर कुछ खरीदारी करनी है तो अपना कर लेगी, और लड्डू जो है अपना चॉकलेट लेकर के घूम रहा है, और उधर जो है गतिक भी अपना मजे में खा रहा है, और क्रियांश जो है ऊपर सोया हुआ है। क्या हम अभी इतना चिंता में बैठे हुए हैं, हम कहे कि हम थोड़ा सा सादा रोटी बना के ले जाएंगे, अच्छा रस्ते में खाएंगे, दीदी उसमें रात का भी रोटी जोड़ दी, अच्छा मिला के 40 रोटी बताई, तो हम सोचे अब यहाँ देख सकते दोनों भाई उठ गए हैं और दोनों का बाल एक ही जैसा लग रहा है। छोटे भाई मोटे भाई, एक तरफ है छोटे भाई, एक तरफ है बड़े भाई। सबसे बड़ा ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा भाई है और ये सबसे छोटा है फिलहाल। अभी दीपांशु भैया कह रहे थे एक तरफ है छोटा भाई, एक तरफ है मोटा भाई। गया है मेरा बेटा और पर मच्छी कर लेगा, डांस कर दो, डांस कर दो छोटा सा, पावर में आएगा थोड़ी देर, तब करेगा टिक 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 टिक, इसे करेगा, इसे करता है एग्जाम, टिक टिक टिक। अभी जब ये सो के उठता है ना थोड़ा देर शांति से रहता, तभी ये अच्छे से गोदी में आके बैठता ही नहीं है ज्ञान जी, चीप बदमाशी करता है, गोदी में नहीं रहेगा ये। यहाँ पे क्रियांश क्या कर रहा है, मामा को चिक पे चिक पे, दोनों मत पूछू, हल्ला जो हो रहा था कान बंद कर रहा है। यहाँ पे बैट बॉल चल रहा है, मारेगा आउट। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9:15 और यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान सब लगा हुआ है, और अब बारी है जी नैन्सी दीदी की विदाई का। तो नैन्सी दीदी, मम्मी और गतिक पापा सभी लोग जो है अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो सारा सामान करके करके ले जाते हैं। उधर क्रियांश देख लिया कि गाड़ी निकला हुआ है, तो क्रियांश सोच रहा है गाड़ी के अंदर जाना है, तैयारी हो रही है दादी और दादा के जाने का। हाँ हाँ, पहले अब देखो वहाँ जाएगा स्टीयरिंग पे, यहाँ दो भाई बैठ चुके, बड़ा भाई जो है साइड में बैठा है और छोटा भाई ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है, और स्विच ऑन, यहाँ देखिए सीधा गाड़ी को स्विच ऑन करता है लेकिन चाबी अंदर है नहीं, जब गाड़ी ड्राइव गाड़ी ऑन होगा, क्या हुआ नहीं ऑन होगा बेटा। और यहाँ पे इतने सारे सामान है, इधर देख सकते हैं आप, बहुत तो रखा गया है, इधर पूरा फुल हो चुका है, सामान बहुत सारे हो गए हैं, आदमी को रखने की जगह सामान सामान रखे इतना भी बचा हुआ इतना सामान नहीं, ये सोच रहे होंगे कितना दिन रहेंगी इतना सामान देख के, सामान देकर जहाँ गई थी घूमने, हाँ वहाँ पर लोग इसका सामान देकर आ गई, लगता है कितना दिन रहेगी, 3-4 महीने रहने के लिए आई है। ताता ताता अच्छा अच्छा। तो
तो सभी लोग जी यहाँ पर बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ से जो है अब सभी को लेकर के चलते हैं स्टेशन। और हम लोग जो है लगभग यहाँ से 15 मिनट से 20 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएंगे स्टेशन। ओए गतिक गतिक, इसका ध्यान कहीं और है। हो गया सर। जस्ट अभी आए हैं मार्केट से और मार्केट गए हुए थे जी फर्स्ट क्राई। जी हाँ, फर्स्ट क्राई से जो है क्रियांश का कुछ सामान लेने के लिए गए थे। क्रियांश ने जो है अपने बोतल का निपल जो है कुतर दिया है, वह भी लेना था और बोतल भी लेना था। एक बोतल भी उसने जो है अपना खो दिया है और साथ में उसका जो है डायपर ले लिया और खिलौना सब भी ले लिया है। तो बाकी जिया जो है मेरे शर्ट को प्रेस कर रही है क्योंकि हम जाने वाले हैं अपने एक दोस्त के यहाँ शादी में, तो बारात में निकलनी है तो सब कुछ तैयार है, बस एक शर्ट ही प्रेस नहीं है। तो जल्दी से शर्ट हो जाएगा प्रेस और निकलेगी। बार लास्ट मोमेंट पे मतलब इनका ड्रेस चेंज हो जाता है, पहनने वाले होते हैं कुछ और पहन लेते हैं कुछ। कोई बात नहीं जी, जब जो चीज जज जाए वही पहनना चाहिए। बाकी यहाँ सामान सब देख लो अपना, कैसा सामान सब। दो का बॉटल का सेट क्या होता है ना, क्रियांश के साथ हमेशा दो बॉटल रहता है। एक बॉटल अगर कहीं तुरंत नहीं मिल रहा है तो एक बॉटल हमेशा मेरे पास रहता है जो कि मैं उसको तुरंत ढूंढ के देती हूँ क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और इस बार जो है दो बोतल रहेगा बैकअप में। हां, इस बार दो क्योंकि एक मिली नहीं रहता सिंगल है ना। चलो अच्छा, कितने का पड़ा ये? 650 करीब पड़ा है सर। 699 ना भाई। और ये दो निप्पल जो कि निप्पल क्रियांश ने काट दिया है तो फिर हमको एक एक्स्ट्रा भी रखना था निप्पल। और उसके बाद ये खिलौना लेने क्या जरूरत है बताइए तो। खिलौना है ये हमको इतना प्यारा लगा ना, बॉलिंग सेट तो सोचे कि खेलेगा। खिलौना भले बहुत है लेकिन हमको लग रहा है ये उसको अच्छा लगेगा। मतलब एक खिलौना के मतलब उसके पास कमी नहीं, इतना खिलौना है कि मतलब हम मेरा रूम ये भरा रहता है उसके। और ऊपर में मैंने सारा खिलौना थैले में बड़े बड़े थैले में करके रख दिया जो कि अभी बड़ा है, जैसे बड़ा वाला कार सब है वो अभी क्रियांश खेलता नहीं उसके साथ तो मैंने ऊपर रख दिया है। और फिर भी ये जब भी फर्स्ट प्राइज आते हैं कुछ ना कुछ ले जाते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा सेट है, इसको लगा दो और मारो बॉल से। 20 minutes later. हम तो हो गए जी तैयार और कुछ ही देर में जो है अपने दोस्त के जो है बारात में निकलेंगे। बस एक दोस्त के आने का इंतजार है, उस दोस्त का नाम है मणिकांत। तो इंतजार करते हैं मणिकांत भाई साहब जल्दी से आए। और टाइम तो हम लोगों का हुआ था कि 7 बजे निकल जाएंगे लेकिन जो है 7:10 हो चुका है। शायद अभी भी लगता है उनकी तैयारी चल ही रही है तो फोन करके पूछ लेते हैं ताकि थोड़ा हम लोग जो है टाइम पर निकल जाए और उनके साथ ही बारात निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा दोस्त तो नीचे आ गया है जी लेकिन अभी हम ऊपर ही हैं क्योंकि जिया ने बोला कि टाई लगा देते हैं क्योंकि एक टाई भी रखा हुआ था तो टाई भी लग गया है। उसी टाई के बिना ही ज्यादातर पहने, कोई बात नहीं चलते हैं। One hour later. पहुंच गए जी अपने दोस्त नीलमणी के यहाँ और वहाँ पर जो है अपना पगड़ी बंधवा रहे हैं। बारात की एक निशान भी होती है जी पगड़ी। और पगड़ी बंधवाने के बाद जब बाहर निकले तो बहुत सारे हाई स्कूल के क्लासमेट मिल गए जिनसे कि हमारी मुलाकात 12-13 साल बाद हुई होगी। फिर देखा कि जी बारात निकल गई और हमारी ये दोस्त को देख लीजिए नीलमणी को जो कि दूल्हे राजा की पोशाक में क्या जच रहा है। तो मुबारक हो हमारे दोस्त नीलमणी को, तो यहाँ से चल गई बारात, चलते हैं उसके साथ। तो बारात तो निकल गई है जी और बारात के साथ हम लोग भी निकल गए हैं और बारात जो है थोड़ा दूसरे रास्ते से हो गई है क्योंकि हम लोग के साथ बाइक था, सोचा कि बाइक को कहीं पर जो है लगा दिया फिर उसके बाद जो हम लोग भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन मालूम चला कि भारत का रास्ता ही अलग हो गया है तो हम लोग सीधा पहुंच रहे हैं जहां पर भारत पहुंचने वाली है, तो चलते हैं सीधा। तो बारात पहुंच गई जी द्वार पर और द्वार पर पहुंचते ही जो है खूब धूम धड़ाका हुआ, शोर शराबा हुआ, नाच गाना हुआ। यह सब करने के बाद जी बारी थी दूल्हे राजा को मंच की तरफ ले जाने की जहां पर जयमाल होना था। तो उन्हें लेकर के गए उनके साले साहब सब और जब जा ही रहे थे तो बीच में ही हमारे दूल्हे राजा को जो है रोक लिया गया वहां की महिलाओं के द्वारा क्योंकि कुछ होना था विध व्यवहार। तो कुछ विध व्यवहार सब हुआ, परछन सब हुआ, उसके बाद बारी थी जी उनके मंच तक जाने की। और वहां से मंच जाने तक का जो सफर था जी, दूल्हे राजा की जो एंट्री थी क्या जबरदस्त एंट्री थी जी, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया था, काफी एकदम रंगारंग कार्यक्रम सब भी वहाँ पर चल रहा था। तो दूल्हे राजा की एंट्री के बाद जी बारी थी दुल्हनिया की एंट्री की, तो उनका भी जो है एंट्री दूल्हे राजा से कम नहीं था जी, वहाँ भी एक जबरदस्त एंट्री था। और सभी लोग जो है दूल्हे और दुल्हनिया दोनों पहुँच गए मंच पर और वहाँ पर भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम सबका आयोजन था। तो वहाँ पर नाच गाना सब हुआ और उसके बाद जो है हमारे बिहार के जाने माने एक नेता है श्री पप्पू यादव, शायद उनको आपने जो है टीवी पर देखा भी होगा, तो वह मंच पर आए और उन्होंने लड़की और लड़की दोनों को जो है आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद जो है वहाँ से चले गए। फिर जी हम लोग भी लग गए वहाँ पर अपना भोजन सब करने में। वहाँ पर भोजन पानी करने के बाद अपने सारे दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के बाद अब बारी थी वहाँ से विदा लेने की। तो अपने दोस्त की शादी तो अटेंड कर लिया जी, बारात सब आ गई और हम लोगों का जो है भोजन पानी भी हो गया और दोस्त सबसे मिल लिए, भाभी जी से भी मुलाकात हो गई। और उसके बाद है अब बारी है घर जाने की, समय भी हो चुका है लगभग 12:30। तो पापा मम्मी भी इंतजार कर रहे होंगे तो चलते हैं सीधा।